विकी और अभिषेक की हुई बड़ी वाली लड़ाई, जहां पर अभिषेक विकी को आप करके बात कर रहा है, वहीं पर विकी जो है ऐसे ऐसे पॉइंट मार रहा है अभिषेक के सामने, जहां पर अभिषेक जो है काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव होता हुआ जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा पर्सनल भी बात कर रहा है। आपकी बीवी को बोलो, आपकी बीवी ने किया, आपकी बीवी ने किया, ट्रिगर कर रहा है। तो आखिरकार मुद्दा क्या हुआ है? तो गाइज, इन लोगों को पता चला है कि खानजादी को खाना जो है वो विकी ने दिया है, ये किसी ने दिया है, जो कि जस्ट नॉर्मल बात जो है ईशा और विकी में हुई, और विकी की बात कन्वर्सेशन जाके बाबू भैया को बता दी ईशा ने। तो ईशा के ऊपर गुस्सा हो गया विक्की की, भाई तूने मेरी पर्सनल बात तूने वहाँ जाके क्यों बताई है? अगर तू मेरी बात वहाँ जाके बताएगी तो अगर तू पब्लिकली मुझसे पूछेगी तो मेरा आंसर वो नहीं होगा। तू मैंने बोला है कि हाँ मैं दूंगा, अगर मेरे को देना होगा तो मैं दूंगा खाना, बस इतनी बात बोल के छोड़ दिया है। अब अभिषेक जो है काफ़ी ज़्यादा चढ़ गया है विक्की पे कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हो, तो आपने अगर खाना दिया है तो आपने रूल तोड़ा है, जिसके कारण जो है हम सब लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, 9 घंटे जो गैस मिल रही है वो कम भी हो सकती है, दंड भी हो सकता है, आप रूल नहीं तोड़ सकते। जहाँ पर विक्की ने बोला, किसने बोला कि मैंने दिया है, प्रूफ है कि किसी मैंने मैंने दिया है, मैंने नहीं दिया है, बिग बॉस को बोलने दो। जब बिग बॉस बोलेंगे, जब तू अभी ये सब चीज़ें बातें कर रहा है ना, जब देंगे दंड तब उसके बाद देखेंगे कि आखिरकार जो है तेरी बातें वैलिड है या नहीं है, तब देखेंगे, पर अब नहीं। अब मैंने किसी को कुछ नहीं दिया है। अभिषेक बोलता है कि आपकी पहले बीवी चॉकलेट्स दे रही थी, उसके कारण ये दंड हुआ, आपको खाना खिला रही थी वो दंड हुआ। तो ये बात बोले कि भाई मैंने नहीं लिया ना, वहाँ से सामने से दिया, और वैसे भी तू सब चीज़ें कैमरा के लिए करता है। बहुत सारी बातें जो है विकी बोल रहा है, विकी को अभिषेक नहीं छोड़ रहा, अभिषेक को विकी नहीं छोड़ रहा है, एक ऐसी लड़ाई जो है वो लग रही है। अभी इनके दिल में जो कड़वाहट है, विक्की जो है अभी बिल्कुल दोस्ती में अभिषेक के साथ पढ़ना नहीं चाहता है, अब जो है वो उसके साथ दुश्मन वाला खेल खेलना चाहता है कि भाई अब तू मेरा भाई नहीं, अब तू मेरा दुश्मन है। अब यहाँ पर अभिषेक भी जो है विक्की को अब विक्की भैया नहीं, अब वो एक्चुअली में दुश्मन मानने लग गया है। जैसे कि शो में एक बात हुई थी, सलमान खान ने बोला था कि हीरो के बगैर विलन नहीं, विलन के बगैर हीरो नहीं। सही बात है, यहाँ पर जो है दो लोग डिवाइड हो चुके हैं और मुनावर को अब कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई मुनावर फारूकी कहीं पर बस खाना खाते ही ना रह जाए, क्योंकि मुनावर को इस तरीके से देखना चाहते हैं हम लोग कि भाई एक स्टैंड ले, एक जगह पे हो और अपना दुश्मन बनाए और खुद बन जाए हीरो। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।